में हम बात करेंगे टोरेसेरीज एक्सपेरिमेंट फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मर्करी बैरोमीटर। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले भाई हमको ये समझना पड़ेगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसे कहते हैं। सबसे पहले हमको क्या समझना पड़ेगा कि यार ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसे कहते हैं। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि एटमॉस्फेयर, वो प्रेशर जो एटमॉस्फेयर लगाता है, सुनना ध्यान से, वो प्रेशर जो एटमॉस्फेयर लगाता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, देखो हमारे चारों तरफ क्या है, एक एटमॉस्फेयर है, वो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर 24 घंटे प्रेशर लगा के रखता है। अब और वो अच्छा खासा प्रेशर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरे बॉडी के हर हिस्से में एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा होगा और वो अच्छा खासा प्रेशर होगा। वो अलग बात है मैं उसको महसूस नहीं कर पा रहा, मैं उसको फील नहीं कर पा रहा, लेकिन हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो हमारे ऊपर और हर एक चीज़ के ऊपर प्रेशर लगा रहा है। क्लियर है, ये बात समझ में आती है। तो एक वो प्रेशर जो एटमॉस्फेयर द्वारा लगाया जा रहा है, एक वो प्रेशर जो एटमॉस्फेयर लगा रहा है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ में आता है। अब सवाल ये आता है, ठीक है, अब सवाल ये आता है कि यार ये जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है ये कितना होगा। भाई प्रेशर है, प्रेशर एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो कितना शब्द तो आ जाता है जब भी हम क्वांटिटी की बात करते हैं, तो भैया कितना होगा। तो अब हमको ये समझना है कि और हम कि ये जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है ये कितना होगा, इसको मेजर करने के लिए हमारे पास क्या कोई डिवाइस है या नहीं। तो पहली बार टोरेसेरीज एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली एक एक्सपेरिमेंट करा और उस एक्सपेरिमेंट से इस एटमॉस्फेयर प्रेशर की वैल्यू निकाली। और वो जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था वो भाई साहब आज के ज़माने में एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है जिसको हम बैरोमीटर कहते हैं। ठीक है, बैरोमीटर बेसिकली क्या है, एक डिवाइस है जो यूज़ करा जाता है प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। यहाँ तक समझ में आता है। इसको मर्करी बैरोमीटर क्यों कहा गया वो भी हम बताएंगे, अभी टेंशन नहीं लेने का। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि यार ये जो टोरेसेरीज ने क्या एक्सपेरिमेंट करा जिससे उन्होंने एटमॉस्फेयर प्रेशर को मेजर करा, ऐसा उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करा जिन्होंने एटमॉस्फेयर प्रेशर को मेजर करा। ठीक, तो उसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखो उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने एक बीकर लिया ऐसे करके, ठीक है, एक बीकर ले लो या फिर एक टब ले लो, जो तुम्हारा मन है वो ले लो। इसके अंदर हमने मर्करी फिल कर दिया, इसके अंदर हमने क्या फिल कर दिया मेरे भाई, हमने मर्करी फिल कर दिया। ये मर्करी है मर्करी तो आप जानते हैं एट रूम टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में होता है, HG। अच्छा, दूसरी साइड इन्होंने क्या काम करा, दूसरी साइड एक ट्यूब ली, एक बहुत ही ग्लास की पतली सी ट्यूब ली, ठीक है, एक पतली सी क्या ली मेरे भाई, ग्लास की ट्यूब ली, और इसके भी अंदर हमने बहुत ही अच्छी तरीके से मर्करी को फिल कर दिया। ठीक है, ये एक मीटर की ट्यूब थी, ये कितने मीटर की ट्यूब थी, एक मीटर की ट्यूब थी। तो हमने क्या काम, इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने एक मीटर की एक लंबी सी ट्यूब ली, पतली सी और ग्लास की ट्यूब थी, बड़ी पतली सी ऐसे करके ग्लास की ट्यूब थी, और इसके अंदर भी मर्करी फिट कर दिया, मतलब मर्करी भर दिया अच्छी तरीके से भाई, भर के बिल्कुल इसके अंदर मर्करी पूरा भर दिया ऐसे करके। ठीक वहाँ पर यहाँ पर करा, एक बीकर ले लिया कोई या फिर एक छोटा सा ऐसी ग्लास का टब ले लिया और इसके अंदर भी हमने मर्करी फिल कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? अरे कोई डाउट ही नहीं है भैया, दो बीकर थे उनको फिल कर दिया, अब इसमें कौन सा डाउट होगा, बहुत बढ़िया। अब हमने क्या काम करा, इस ट्यूब को यहाँ से एक तरफ से ये ओपन है एक तरफ से बंद है, दिख रही है वो तो आपको, तो इस ट्यूब को हमने क्या काम करा, एक मीटर की ट्यूब है, इतनी छोटी तो यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो एक मीटर की ट्यूब है, हमने क्या काम करा, जो इसका ओपन एंड है उसको थंब से ऐसे करके बंद करा, इसको उल्टा करा और ऐसे करके यहाँ रख दिया, ऐसे करके रख दिया। ठीक, अभी भैया हाथ लगा रखा है तो इसको ऐसे उठाया, ऐसे करके उसे उठाया और भैया यूं करके ऐसे डाल दिया। अभी हाथ इसके अंदर डला हुआ है मेरा, यहाँ पर अभी हाथ मेरा थंब लगा हुआ है ओपन एंड में, अभी मैंने थंब नहीं हटाया अपना। ठीक, कोई डाउट है, यहाँ तक समझ में आता है? अच्छा, जैसे ही मैं थंब हटाऊंगा, ध्यान सुनना मेरी बात को, जैसे ही मैं थंब हटाऊंगा तो मैंने क्या ऑब्जर्व करा कि ये जो मर्करी है जो ऊपर तक भरा हुआ था ये नीचे आता है, ये नीचे आता है, आता है, आता है, आता है, आता है, और थोड़ी देर के बाद रुक जाता है, ये ऑब्जर्व था। ठीक है, क्या ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्व ये करा कि भैया मर्करी ऊपर तक फिल था, जैसे ही मैं इसके अंदर डालता हूँ और अपने थंब को हटाता हूँ तो धीरे 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 मर्करी नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है, आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है, और एक स्टेज में मतलब कि एक लेवल पर आकर रुक जाता है। ठीक, एक लेवल पर आकर रुक जाता है, यहाँ तक कोई डाउट है? उसके बाद फिर कोई चेंज नहीं होता, मतलब ना ही मर्करी ऊपर जाता ना ही मर्करी नीचे जाता। अच्छा, ये भी भाई साहब मेजर कर रखा है कि ये 76 सेंटीमीटर पर होता है,
है ना भाई, एक मीटर की रॉड थी, तो यहां से लेके रॉड यहां तक है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक का जो लेवल है ये कितना है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 76 सेंटीमीटर, मतलब कि 100 सेंटीमीटर से जो मरकरी है वो नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है, और 76 सेंटीमीटर पर आके रुक जाता है। क्लियर, ये चीज ऑब्जर्व हुई कि नहीं हुई, ये प्रैक्टिकली अभी हम समझ रहे हैं कि प्रैक्टिकल क्या हुआ। अब सवाल आप भी ये सोच रहे होंगे कि यार मरकरी ट्यूब में भरी है, फिर वहां पर डाली, मरकरी नीचे आ गया, इससे एटमॉस्फेयर का प्रेशर कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, कैसे मेजर कर पाएंगे, कर पाएंगे। अब सुनना ध्यान से, जरा दिमाग लगाओ, आ जाओ। अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा पहले थोड़ा यहां पर देखें, क्या ये इस जगह पर, इस जगह को वैक्यूम कहा गया, टॉरिशियन वैक्यूम, वैक्यूम मतलब कि यहाँ पर देखो ना ही कोई गैस है ना ही कोई मरकरी है, मतलब यहाँ पर तो एक प्योर वैक्यूम क्रिएट होगा, और यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, पी, यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, पी, और वैक्यूम में प्रेशर कितना होता है, वैक्यूम में प्रेशर कितना होता है भाई मेरे, जीरो। तो ये पहली बात समझ में आई, छोटी छोटी बातें हैं, एक एक करके पकड़ेंगे। मैंने क्या बोला, जैसे ही ट्यूब मरकरी नीचे आएगा तो यहाँ पर ना ही कोई गैस है ना ही कोई मरकरी, कुछ भी नहीं है, तो इस जगह को, इस छोटे से स्पेस को या रीजन को इन्होंने क्या नाम दिया, टॉरिशियन वैक्यूम। मतलब कि वैक्यूम में यहाँ पर ऊपर, मतलब इस मरकरी के यहाँ पर, इस मरकरी को कोई प्रेशर नहीं लगा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक वैक्यूम हमने क्रिएट करा है। तो पी ए, यहाँ पर जो प्रेशर होगा, यहाँ पर ए पॉइंट पे जो प्रेशर है, ये मान लो ए पॉइंट है, तो इस ए पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, जीरो होगा। ये वाली बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक पॉइंट ये है बी, एक पॉइंट ये है बी, और एक पॉइंट ये है सी, मैंने तीन पॉइंट लिए, ठीक है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। तो ए पॉइंट में मैंने कहा कि प्रेशर कितना है, जीरो, क्योंकि ऊपर वैक्यूम बन रहा है जो कोई प्रेशर नहीं लगा रहा होगा। ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। अब जरा दिमाग लगाओ, इस बी पॉइंट पे प्रेशर कौन लगा रहा होगा, सोच के बताना मेरे भाई, इस बी पॉइंट पे प्रेशर कौन लगा रहा होगा, जरा देखें, जरा ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, तो मैं मॉडिफाइड पास्कल लॉ लगा सकता हूँ भाई, अगर मैं अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड पास्कल लॉ, भाई अगर आपको मॉडिफाइड पास्कल लॉ नहीं आता तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो आगे बात करते हैं, आ जाओ यार टॉपिक पे जाते हैं, ठीक। तो भैया मॉडिफाइड पास्कल लॉ क्या कहते हैं, मॉडिफाइड पास्कल लॉ कहते हैं पी टू किसके इक्वल होता है, पी वन प्लस एच रो जी। भाई मॉडिफाइड पास्कल लॉ क्या कहता है, जैसे जैसे अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर हो तो प्रेशर हर पॉइंट पे सेम रहेगा, लेकिन अगर आप वर्टिकल लाइन पर हो तो हर पॉइंट पे डिफरेंट होगा। जैसे जैसे नीचे जाते रहोगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता रहेगा, समुद्र के अगर आप अंदर तैरते जा रहे हो तो प्रेशर बढ़ता रहेगा। कितना प्रेशर बढ़ता रहेगा, ये एक्सेस प्रेशर है एच रो जी, ये हो गया पी वन, ये हो गया पी टू, ठीक है। वही फंडा मैंने यहाँ पर लगाया, पी टू क्या है आपका पी वी, पी वन क्या है आपका पी ए, प्लस एच, एच यहाँ पर मैं अभी इसको ले रहा हूँ, 76 नहीं लिख रहा, सिर्फ एच लिख रहा हूँ, ठीक है। एच, एच क्या है, इस मरकरी की हाइट, इस मरकरी कॉलम की हाइट। रो क्या है, मरकरी की डेंसिटी। जी क्या है, अपनी धरती अम्मा का एक्सेलरेशन, ठीक है। पी ए क्या है, पी ए बोले तो भैया अभी मैंने आपको बताया पी ए पे प्रेशर जीरो है, तो भैया हमने पी भी निकल कर आया एच रो जी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक कोई डाउट है, मैंने सिर्फ पास्कल लॉ लगाया है और बी बी पॉइंट पर प्रेशर निकाला है जो इस मरकरी कॉलम की वजह से लगेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फिर भी समझ में नहीं आ रहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ से निकलेगा, निकलेगा निकलेगा, टेंशन मत लो। देखो अब मुझे एक बार बताओ, अभी सी पॉइंट को देखो, इस सी पॉइंट पर भाई साहब कौन प्रेशर लगा रहा होगा, इस सी पॉइंट पर कौन प्रेशर लगा रहा होगा, जरा सोच के बताओ। इसके ऊपर कौन है, इसके ऊपर भाई एटमॉस्फेयर है, मतलब सी पॉइंट पर प्रेशर कौन लगा रहा होगा, सी पॉइंट पर प्रेशर लगा रहा होगा एटमॉस्फेयर। सी पर कौन प्रेशर लगा रहा होगा, एटमॉस्फेयर, मतलब कि प्रेशर एट पॉइंट सी कौन लगा रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम लिखेंगे पी छोटा है, ठीक है, बड़े से और छोटे में कंफ्यूज मत होना। पी ए बोल तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, भाई खुद सोचो ना, देखो यहाँ इस सी पॉइंट पे यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, तो ऊपर सिर्फ एयर है, मतलब कि एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर इस पे प्रेशर लगा रहा होगा। यहाँ तक क्लियर है, समझ
समझ में आ रहा है ना, सी पॉइंट पे तो भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा होगा। अब अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रेशर सेम रहता है। भाई अगर आप एक समुद्र में सीधी लाइन में तैर रहे हो, सीधी लाइन में अगर आप समुद्र में तैर रहे हो तो प्रेशर में डिफरेंस नहीं होगा। प्रेशर में डिफरेंस जब होगा जब या तो आप ऊपर जाओगे या आप पानी के अंदर जाओगे। तो वही फंडा यहाँ पर है, जो प्रेशर बी का होगा वही प्रेशर सी का होगा अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ भाई, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ जो प्रेशर होगा सी पॉइंट पे वो प्रेशर बी पॉइंट के इक्वल होगा। अच्छा पी सी किसके इक्वल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। पी बी कितना है भाई साहब, पी ए के। तो मेरे हिसाब से आपका एटमॉस्फेयर का प्रेशर निकल कर आ गया मेरे भाई। अच्छा इसको और कैलकुलेट करते हैं, जरा देखो पी ए एच क्या है, 76 सेंटीमीटर। तो 76 × 10⁻²⁪ मीटर, मैंने मीटर में बदल दिया। रो क्या है, डेंसिटी। रो क्या है, डेंसिटी किसकी, मरकरी की। वो होती है 13.6 × 10³⁰ इंटू धरती अम्मा के एस्केलेशन 9.8। तो जब आपने इसको कैलकुलेट करा तो भाई साहब मेरा पी ए निकल कर आया 1.013 × 10⁵ पास्कल। 1.013 × 10⁵ पास्कल मतलब कि एक एटमॉस्फेयर, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो कितना है, 1.013 × 10⁵। याद करा जाए इसको, 1.013 × 10⁵, 10⁵ बोले तो 10⁵ पास्कल। यहाँ तक क्लियर है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था, एक बड़ा सिंपल सी, एक बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही कॉमन सी उन्होंने अप्रोच लगाई कि भैया यहाँ पर प्रेशर जो होगा बाय दिस मरकरी कॉलम वही प्रेशर यहाँ पर होगा, और यहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेयर लगा रहा है तो इसलिए दोनों प्रेशर इक्वल होंगे। पास्कल लॉ का यूज़ करा और उन्होंने अपना एक डिवाइस बनाया, मतलब कि मरकरी बैरोमीटर। इसको मरकरी बैरोमीटर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि मरकरी यूज़ हो रहा है। इस डिवाइस से और इसकी मदद से उन्होंने एटमॉस्फेयर प्रेशर को कैलकुलेट करा या मेजर करा। यहाँ तक समझ में आता है। अच्छा आपके दिमाग में ना कुछ क्वेश्चन घूम रहे होंगे, है ना, साइंस के बच्चों यार क्वेश्चन तो घूमने चाहिए। अब आपके दिमाग में पता है क्या घूम रहा होगा, आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि यार ये बात तो समझ में आ गई कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर कैसे निकला, मुझे ये बात बताओ कि मरकरी ही क्यों डाला। भाई क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो आना चाहिए कि यार मरकरी ही क्यों डाला, पानी क्यों नहीं डाला, पानी डाल देते, मरकरी क्यों डाला। अब इसको समझो, हमने मरकरी यूज क्यों करा। देखो मरकरी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है। एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने पूछा, डेंसिटी मरकरी की ज़्यादा होती है या डेंसिटी पानी की ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली बात है मरकरी की ज़्यादा होती है, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी होती है 13.6 × 10³ और पानी की डेंसिटी होती है 1। अब मुझे खुद सोच के बताओ, अगर हम मैं पानी यूज़ करता, सुनते रहना ध्यान से, अगर मैं पानी यूज़ करता, अच्छा इसको हटा दें, इसको हटा दें, अगर आपने नोट कर लिया हो तो इसको हटा दें, अब सुनते रहो ध्यान से। अगर मैं पानी को यूज़ करता, अगर मैं भाई साहब वाटर को यूज़ करता तो उसकी डेंसिटी कितनी होती, 1 kg/m³। ठीक भाई, एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो उतना ही रहेगा, मतलब इतना ही रहेगा, वो तो चेंज होने वाला नहीं है। अगर मैं इस प्रेशर को पानी की मदद से निकालता, जरा देखना, जरा 1.013 × 10⁵ इक्वल टू एच इंटू रो, रो के प्लेस में 1 × 9.8, तो रो इक्वल आया 1.013 × 10⁵ / 9.8। आप बिलीव नहीं कर सकते, ये समथिंग आएगा ऐसे 10,000 मीटर से भी ज्यादा, मतलब 11,000 मीटर की एक लंबी ट्यूब लेनी पड़ेगी पानी की, जब जाके बी और सी का प्रेशर सेम होगा और तब जाके एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकलेगा। सोच के देखो जरा, अगर मैं पानी को यूज़ करूँगा ना मेरे भाई, पानी को अगर मैं यूज़ करूँगा तो डेंसिटी कम हो रही है, इसका मतलब मुझे हाइट बढ़ानी पड़ेगी, जिसकी वजह से एच रो जी हमेशा पी ए के इक्वल हो जाए। भाई अगर मैं डेंसिटी को घटा रहा हूँ तो मुझे हाइट बढ़ानी पड़ेगी, जभी तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और तभी तो हमारा पी ए जो है वो इसके इक्वल आएगा। तो मैंने यहाँ पर आपको समझाया, अगर हम पानी यूज़ करेंगे ना, अगर भाई मेरे हम पानी यूज़ करेंगे, सॉरी एच है, ये एच है, अगर हम पानी यूज़ करेंगे तो ट्यूब की कितनी हाइट चाहिए, 1 मीटर नहीं, 11,000 मीटर कम से कम, ये अप्रॉक्स बता रहा हूँ, 10,000 मीटर की एक ट्यूब लेनी पड़ेगी, फिर उसके अंदर पानी भरना पड़ेगा और फिर उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और जब जाके हमारे ये प्रेशर की वैल्यू आएगी।
तो आप समझ सकते हैं पानी का अगर हम यूज़ करेंगे तो यार लाले पड़ जाएंगे, 10,000 मीटर की ट्यूब, फिर उसको डालने, फिर ये करा, फिर वो करा, जान निकल जाएगी। तो इसलिए हमने उन्होंने मरकरी यूज़ करा। मरकरी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से हाइट कम हो गई, और हाइट कितनी हो गई, 1 मीटर में काम बन गया। अब 1 मीटर को हम हैंडल कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये एक छोटी सी अप्रोच थी टॉरेशियन की और मरकरी बैरोमीटर की, किस तरीके से हम एटमॉस्फेयर प्रेशर निकाल सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया हो फंडा और ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, समझ में आता है ये टॉपिक, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।